हेलो एवरीवन, हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है, ऑल ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर डी ब्लॉक एलिमेंट्स बट ऑल डी ब्लॉक एलिमेंट आर नॉट ट्रांजिशन एलिमेंट, एक्सप्लेन। बोल रहा है कि जितने भी ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं सभी के सभी डी ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं, लेकिन डी ब्लॉक में जितने एलिमेंट हैं वो सभी के सभी ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है, ऐसा क्यों? तो देखो, पहले हम लोग को समझना होगा ट्रांजिशन एलिमेंट किसको बोलते हैं, ठीक है, या डी ब्लॉक एलिमेंट किसको बोलते हैं। तो एलिमेंट्स एलिमेंट्स इन विच द लास्ट इलेक्ट्रॉन, द लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इन द डी ऑर्बिटल आर कॉल्ड डी ब्लॉक एलिमेंट्स, डी ब्लॉक एलिमेंट्स और ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ठीक है। अब देखो, जो लास्ट इलेक्ट्रॉन अगर डी ब्लॉक में रहा तो उसको हम लोग ट्रांजिशन एलिमेंट या डी ब्लॉक एलिमेंट बोलते हैं। जैसे देखो, कॉपर का बात करते हैं, कॉपर और जिंक का बात करते हैं। कॉपर का एटॉमिक नंबर होता है 9, 29 और इसका होता है 30। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, फिर होगा हमारा 4s2 और 3d9। लेकिन 3d9 क्या करता है, 3d9 में ये स्टेबल नहीं होता है, तो 3d9 जैसे ही होगा ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से ऐड खींचेगा अपने तरफ और ये अपना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बदल ले, बदल के क्या बना लेगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होगा स्टेबल नहीं होता है, तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d10, 4s1, इस तरह से हो जाएगा, ठीक है, ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा। वही जिंक का अगर बात करें तो जिंक 29 तक तो ऐसे ही जाएगा, 29 तक में 3d10 हो जाएगा, ठीक है। 30th इलेक्ट्रॉन जो जाएगा वो कहाँ जाएगा, 30th इलेक्ट्रॉन जो लास्ट इलेक्ट्रॉन इसका आएगा वो कहाँ चला जाएगा, वो 4s1 से 4s2 हो जाएगा। ये 30वां इलेक्ट्रॉन कहाँ गया, वो s ब्लॉक में गया, ये s ऑर्बिटल में गया। लेकिन हम लोग ट्रांजिशन एलिमेंट किसको बोलते हैं, जो डायरेक्टली d में जुड़े। तो कहने का मतलब ये है कि जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो एलिमेंट का होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वो यानी कि जिंक का बात कर लें, कुछ कुछ एलिमेंट है जैसे जिंक, कैडमियम, HG और ये सभी एलिमेंट जो है इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होता है वो N-1 D1 to 10, सॉरी 0 to 10 और NS2 होता है। तो ये जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है इसका, तो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है तो ये सभी जो होता है ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं होता है, क्योंकि इसमें लास्ट जो इलेक्ट्रॉन है वो डी ब्लॉक में नहीं जाता है और इसी वजह से ये ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं शो करता है। दीज एलिमेंट्स डज नॉट शो ऑल द प्रॉपर्टी ऑफ All the properties of transition element. The d orbital in this element are completely pinned in the ground state as well as in their common oxidation state. Therefore, they are not regarded as transition element. अब इस सब में क्या होता है, जिंक में, कैडमियम में, एचजी में, कि इसका डी ऑर्बिटल पूरी तरीके से फुलफिल्ड होता है, जिसके वजह से और इसका ऑक्सीडेशन स्टेट भी कॉमनली फिक्स्ड होता है, जिसके वजह से ये ट्रांजिशन एलिमेंट की तरह बिहेव नहीं करता है। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। दैट्स ऑल, थैंक यू।